सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ऐसे नहीं मानेंगे। मैं ऐसे क्या, कैसे भी नहीं मानूंगी। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। आज तुझे मैं तेरी औकात दिखाता हूँ। शालिनी उठ जा, 8 बज गए। ये लड़की बिना रोज रोज किट किट करवाती है। शालिनी 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 उठ, 8 बज गए और कितना सोएगी तू। दूध खत्म हो गया, जल्दी से जाके दूध लेके आ। शालिनी उठो और सुन, दादा के लिए फल भी लेके आना, उसके मिल्कशेक के लिए। उठो। आई सोने दो ना। क्या सोने दो ना, इतनी बड़ी हो गई है। नहीं उठ। सबसे पहले उठकर तूने घर का सारा काम करना चाहिए। आई की मदद करने जैसा नहीं लगता तुझे? आई सुबह सुबह चिल्लाती है, मदद तो करती हूँ, रोज सब्जी और दूध तो मैं ही लेके आती हूँ, फिर भी बस चिल्लाना है तुझे। ऑफिस के लिए निकलना है, देर हो रही है, तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। आई दूध लाने के लिए थैली देना। आई थैली देना दूध लाने के लिए। अरे क्या पहना है तूने? दूध लेने जा रही है डिस्को करने, जा जाके पूरे और ढंग के कपड़े पहन के आ, जा जल्दी। ये पूरे कपड़े आई, आजकल यही चलता है, यही स्टाइल है, मुझे ये अच्छा लगता है। बहस बंद और काम चालू, जा जल्दी। क्या आई? जा कहा ना मैंने। गुड मॉर्निंग आई। सतीश उठ गया बेटा, मैं चाय लेकर तुम्हारे रूम में ही आ रही थी। ये लो। थैंक यू। गरम गरम चाय। ए आई, ये फोन देखना, 2 साल हो गए इस फोन को, क्या हालत हो गई इसकी। सुन एक नया फोन देना। हाँ बाबा, मुझे पता है कि फोन जरूरी है। अच्छा बोल अब कितने में आएगा? ज्यादा नहीं, कुछ 25,000। बस सिर्फ 25,000? सतीश तुम्हारी आई कोई सीईओ नहीं है, सरकारी बैंक में जूनियर मैनेजर है, और वो भी तुम्हारे बाबा की जगह मुझे नौकरी मिली। सतीश 25,000 तो हमारे घर का पूरे महीने का खर्चा है। हाँ तो तुझे कौन बोल रहा है देने के लिए? तू तू तेरे तेरे बैंक से लोन लेना। देख मेरी नौकरी नहीं है, मुझे लोन नहीं मिलेगा। अरे भाई थैली दे। तूने वापस वैसे ही कपड़े पहने? अरे ढंग के कपड़े नहीं है क्या तेरे पास? आई इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे यही अच्छा लगता है पहनना, दादा ने भी तो शॉर्ट्स पहने हैं। अच्छा मेरे से बराबरी करेगी तू? रुक बेटा तेरे को दिखाता हूँ मैं। ए क्या दिखाएगा? तुम दोनों झगड़ा बंद करो और तू जाके ढंग के कपड़े पहन के आ। बहस नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो सारे कपड़ों को आग लगा दूंगी। अरे आई बट जा कहा ना मैंने। अरे गौरी मैडम आप घर में भी इतनी स्ट्रिक्ट हैं? अरे बैंक में चलता है गौरी मैडम, इतना कड़क नहीं होने का। और बच्चों का क्या है, वो तो लेटेस्ट फैशन पहनते हैं, और वो भी अपने मर्जी का। अरे शालिनी तुम तो बिल्कुल डॉल की तरह आ गई हो। नाइस। थैंक यू। आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? हाँ मैं वो बैंक आने वाला था लोन के पेपर देने के लिए, बट किसी काम से इसी एरिया में आया था, सोचा आपसे मिलता चलो और ये पेपर देता चलो। और फिर हमारे लिए तो आप ही बैंक हो। अरे ये मैं कचौड़ी लाया हूँ, फेमस मेवा लाल का, गरमा गरम है। लो शालिनी इसे प्लेट में ले गया, सब मिलके बैठ के खाते हैं गरमा गरम। इनकी क्या जरूरत थी? अरे कमाल करती गौरी मैडम, इतने साल से आपके बैंक का क्लाइंट हूँ, इतना हक तो बनता है हमारा, क्यों? चला गरमा गरम चाय हटा का। अभी नहीं।
तू ही प्लेट में निकाल, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। और सतीश तेरा जॉब कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। गुड। अरे तूने वो लेटेस्ट फोन का नया ऐड देखा? अरे वो नया वाला? हाँ देखा ना। अरे क्या बढ़िया फोन है यार। ये देख मैंने लिया। अरे अरे काका यही वो फोन है, मैं आई को कब से बोल रहा हूँ लेने के लिए। अरे बहुत बढ़िया फीचर्स है इसमें, 48 मेगापिक्सल कैमरा। हाँ आशुतोष जी जैसा क्लाइंट और दोस्त मिलना नसीब की बात है। मस्त माल है ना? अनबिलीवेबल। मैं आई 11 बज गए, तू अभी तक यही है? ऑफिस नहीं क्या? अरे हाँ, तुम्हारी बहन घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी तो ही मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी ना। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते सतीश। एक काम करती हूँ, आज आशुतोष जी से लिफ्ट मांग लूँ। ठीक है? ख्याल रखना। ठीक सर। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग आशुतोष जी। एक्चुअली घर के काम में जितने थे कि लेट हो गया मुझे, तो अगर आप ऑफिस से जा रहे तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आप बैंक के काम में मेरी इतनी मदद करती हो, आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। डोंट वरी, मैं आता हूँ, आपको बैंक में छोड़ दूंगा। ओके थैंक यू आशुतोष जी। ठीक है, ढंग के कपड़े जो बदन ढक सके, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। ये ट्राई कर। ये हाजी माई जैसा ड्रेस मैं कभी नहीं पहनूंगी। आई मेरा एक अपना स्टाइल है। देखा माधवी, अपने आई से कैसे बात करी। हमारे जमाने में आई बाबा के सामने मुंह नहीं खुलता था, और इसे देख। आई आपका जमाना ना गया। तू यही कपड़े पहनेगी नहीं तो तेरा कॉलेज बंद। मैं नहीं पहन। ए शालू देखना, तेरी आई तेरे लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेके आई है। देख इसका कलर कितना प्यारा है, एक बार ट्राई तो कर, ये तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। अत्या मैं ये झबला जैसा ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनूंगी। ये छोटे छोटे कपड़े पहनने में कोई बड़ी बात नहीं है समझी। जब ये छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलेगी ना और कोई सीटी बजाएगा ना, तब तेरी आई की याद आएगी, समझे तू। वही नहीं, जाने दो ना, बच्ची है वो अभी। वैसे आजकल के बच्चे सुनते कहाँ है, उनको जो करना है बस वही करते हैं। और वहीनी शालू जब इतनी इतनी सी थी ना, तब दादा चले गए। वैसे भी बिन बाप के बच्चे थोड़े बहुत जिद्दी हो ही जाते हैं। जी माधवी, 10 साल हो गए उनको गए, उनके जाने के बाद दो बच्चे और जॉब कैसे मैंने संभाला है सिर्फ मुझे ही मालूम। अगर आज वो होते तो बात ही कुछ और होती। वही नहीं। आई आई मेरा हेयर क्लिप देखा क्या? क्लास के लिए लेट हो रहा है। सुन, जाने से पहले मेरे कपड़े इस्त्री करके जा। तेरे कपड़े हैं, तू खुद इस्त्री कर, मैं क्यों करूं? मुझे कुछ और काम नहीं है क्या? वो क्या है ना, शादी के बाद पति के कपड़े इस्त्री करना ही स्त्री का काम है। उसी की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तुझसे। काम कर, शादी कर ले और अपनी बीवी से इस्त्री कराना बैठ कपड़े। ठीक है, तेरी नौकर नहीं हूँ मैं। ए हेलो, ओए बहुत ज्यादा बोल रही है तू, समझे ना, बड़ा भाई हूँ मैं तेरा। तो बड़े काम भी कर ना, अपने काम खुद किया कर। क्या बोलता है? बड़ा काम मैं बस करूं। आई इसे समझाना। बस दोनों को बता रही हूँ मैं,
सुबह सुबह शुरू हो जाते हो तुम दोनों। सतीश मैं इस्त्री करती हूँ, तू नहाने जा। जा जल्दी जा। आई, तूने ना सतीश को सर पे चढ़ा के रखा है। सारे काम क्यों करती है इसके? तू अपना काम कर ले पहले, जा जाके नाश्ता कर। जा जल्दी। आई आई आई, नाश्ता नाश्ता वाश्ता रहने दे अब। अरे क्लास के लिए देर हो रही है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। चलो चलो, बाय बाय बाय। ये बच्चे भी ना, चलो कम से कम पढ़ाई में तो दिल लग रहा है इसका, और ढंग के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिया। रुक 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 सतीश, रुक। देख तेरी बहन शालिनी उस लड़के के साथ। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ दोस्त है उसका। अच्छा दोस्त है? दोस्त नहीं, मुझे तो बॉयफ्रेंड लग रहा है उसका। बड़ी हो गई तेरी बहन, देख बॉयफ्रेंड भी बना लिया है उसने। मैंने मैनेजर से भी बात की है, लेकिन आपको तो पता है इन सारी चीजों में कितना वक्त लगता है। या या, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एक शर्त पर गौरी जी, आपको लेट फी की पेनल्टी भरनी होगी। संडे को आपको मुझे घर पे बुलाना होगा आपके हाथ का खाना खाने के लिए। अरे संडे क्यों, आप कभी भी आइए, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सतीश तो आपको बहुत एडमायर करता है। तो फिर इस संडे भरली वांगी आणि श्रीखंड। अरे वाह, मस्त बेत है, थैंक यू सो मच, भेटू। अरे जल्दी आ गया तू, चाय पिएगा? कुछ ही दिनों में जहर पीने की नौबत आने वाली है। रिलैक्स, क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? वो तेरी लाडली शालिनी बहुत बर निकला है उसके, अनिल के सामने मेरी इज्जत का पूरा भाजीपाला किया उसने। क्या हुआ बोलेगा? सड़क किनारे छोटी ड्रेस में किसी आवारा लड़के के साथ खड़ी थी वो, जहाँ वो कपल्स खड़े रहते ना। आज अनिल ने टॉन्ट मारा, कल पूरा एरिया पूरा खानदान टॉन्ट मारेगा। इसका ना कुछ नहीं कर सकते। देखो हमारी मॉडल पधार चुकी है, देखा तूने, इतने पैसे खर्च करके इसके लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीदे, और देख तेरी मेहनत की कमाई का क्या हाल किया इसने। हो गया तेरा बोल के, कुछ और बोलना। बात करने की तमीज है ना कपड़े पहनने की, क्या सोच के तूने ड्रेस का कपड़ा बना दिया? क्या सोच के इतना महंगा ड्रेस लाया था तेरे लिए? सोचा था कि तू खुशी खुशी पहनेगी, सुंदर दिखेगी, लेकिन नहीं, तुझे तो सुंदर दिखना ही नहीं है, तुझे तो बदन दिखाना है। क्या प्रॉब्लम है, अब अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहन सकती क्या मैं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं काम कर रहा, ऐसे छोटे और रिवीलिंग कपड़े पहन के हमारा मुंह काला करवा, और फिर सड़क किनारे किसी आवारा लड़के के साथ अय्याशी करना। इसे तो प्लान बोलने का भी दिल नहीं करता है मेरा। तो मत बोलना। क्या बोली तू? तू भी कोई बहुत अच्छा भाई नहीं है, समझा? वो कोई आवारा लड़का नहीं, दोस्त है मेरा, और मेरा जो दिल करेगा ना जिससे बात करने का करूंगी, पर अगर तुझे नहीं देखना है अपनी आंखें बंद कर ले। क्या बात कर रही है तू, ये सिखाया मैंने तुझे? बड़ा भाई है वो तेरा, कहीं हमारे घर में ये छिछोरी लड़की कैसे पैदा हुई? देवा गाय सुकला माजा। ओहो भाई, ज्यादा देवा देवा मत कर समझी, मुझे सब पता है तेरा क्या चल रहा है। वो अपने क्लाइंट आशुतोष को आशु जी करके अपनी लपेटे में कैसे फंसाया है ना तूने, सब समझती हूँ मैं, रोज देखती हूँ। रोज लिफ्ट के बहाने उनके साथ ऑफिस में जाना, बदतमीज। सच कड़वा होता है आई, बैंक में भी उनका सारा काम तू ही संभालती है ना, पक्का शराफत में तो नहीं संभालती होगी। निर्लज्ज मुलगी, शर्म नहीं आती अपने आई के बारे में ऐसे बात करते हुए? अरे वो तो मेरे दोस्त। ठीक है आई, तो जैसे तेरे दोस्त है ना, मेरे भी दोस्त है, मेरा
जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। वहीनी क्यों मार रही हो इसे? बच्ची है वो अभी, और वैसे भी क्या गलत कह रही वो? अगर आप इस उम्र में जब दोस्त बना सकती हैं, तो वो क्यों नहीं? अरे अभी तो उसकी कॉलेज लाइफ शुरू हुई है। आपके इसी बर्ताव के कारण इन दोनों बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है। ज्ञान देना सबको आता है आद्या, फॉलो करना किसी को नहीं आता है। आद्या, जब से बाबा गए ना, तब से ना तुमने ना किसी और रिश्तेदार ने एक रुपए का हेल्प नहीं किया हमको। आई ने संभाला है सब कुछ, इसलिए आई को बराबर पता है कि उसके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत। ऐसे हमारे घर पे आके इसे आग लगाने की जरूरत नहीं है, जा सकता तुम्हें। बच्चों की हर गलती की जिम्मेदारी उनके माँ बाप पर आती है, पर क्या माँ बाप वाकई ही जिम्मेदार हैं बच्चों की हर गलत हरकत की? नमस्कार, आज मैं शालीन मल्होत्रा आपको क्राइम अलर्ट पे एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके जरिए मैं और आप मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। शालिनी वैद्य एक मॉडर्न आजाद ख्यालात वाली लड़की, जिसके लिए आजादी की परिभाषा ही कुछ और थी। उसकी सोच और उसके तौर तरीकों ने उसके पूरे परिवार की शांति भंग की हुई थी। हमारे समाज में सिखाया जाता है कि एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी उसके बच्चों की खुशी होती है। माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी सारी खुशियां, अस्तित्व, सब कुछ त्याग देती है। जब गौरी ने शालिनी को उसकी हरकतों के लिए लताड़ा, शालिनी ने पलट कर गौरी को ही जलील करना शुरू कर दिया, जबकि गौरी के लिए आशुतोष सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, एक उम्मीद, खुश रहने का एक जरिया। और शालिनी के लिए उसकी खुशी से बढ़कर और किसी की खुशी थी ही नहीं। शालिनी एक शौकीन लड़की थी जो अपने शौक पूरे करने के लिए कभी भी कहीं भी किसी का भी इस्तेमाल कर सकती थी। ये खाना तो मेरे लिए दावत है खास। ये फर्क होता है भाई, घर की औरत के हाथ के बने खाने में और नौकर के बने हाथ के खाने में क्या फर्क होता है? अरे यहाँ देखो, खाना कितने प्यार से बना है, पूरी तरह पका हुआ खाना है। और मुझे देखो, हर रोज मैं कच्चे चावल और जली हुई भाकरी खा रहा हूं। बैठी बैठी। वो कॉस्मेटिक कंपनी की बिजनेस के बारे में बात करें? हाँ हाँ, आप तो सबको जानती हैं, है ना? एक्चुअली सतीश आपकी मदद कर देगा क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग में उसका अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और शालिनी को किसका एक्सपीरियंस है? मतलब ये कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है? मूवीज, म्यूजिक, दोनों। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। तो मैंने जो फोन सतीश के लिए बुक किया है उसका स्क्रीन बहुत अच्छा है मूवीज देखने के लिए। हाँ तो अगले महीने मैं तुम्हारे लिए बुक कर देता हूँ। क्यों? मुझे दादा की कॉपी नहीं करनी है, मुझे नया मॉडल चाहिए। मैं मैसेज कर दूंगी आपको मुझे कौन सा मॉडल चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, जो हुक्म मेरे आका। सॉरी गौरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया, त्रास दिला तुम्हारा, आपको खुद आना पड़ा। आप किसी ऑफिस बॉय को भेज देती? भेज तो देती, लेकिन कहाँ सिग्नेचर करना है और ये सारे एनेक्सर के डिटेल्स आपको बताने। वैसे भी ये जॉब है मेरी, तो सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, Thank you.
सिग्नेचर यहाँ। वैसे गौरी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकता हूँ, आप हमेशा काम के बारे में सोचती हैं या फिर उसके अलावा आपकी कोई पर्सनल लाइफ भी है? नहीं, मेरा मतलब है कि अगर आप शाम को फ्री हैं तो आप और मैं और शालिनी हम तीनों चल सकते हैं फिल्म देखने। वैसे भी शालिनी ने कहा था कि उसे भी मूवीज देखना बहुत पसंद है, और आपको भी आपके रूटीन काम में से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, चलते हैं हम फिर शाम को। एक्चुअली अब ज्यादा सोचिए मत, मैंने टिकट्स बुक कर ली, शाम के टिकट्स हैं, मैं आपको पिकअप करता हूँ, हम तीनों चलेंगे। इस सब की क्या जरूरत थी? आपके लिए नहीं, मेरे लिए से। प्लीज ना मत कहना। आप वैसे इतना कह रहे तो ठीक है, ये हुई ना बात। अरे देखो तो जरा कितने सारे बॉयफ्रेंड है तुम्हारे, नहीं, और उनमें से तुम्हें सबसे ज्यादा मैसेज कौन करता है? दो ना मेरा फोन। ये लो। दे दो, दे दो, इससे किसी का फोन चेक नहीं करते। अरे अब तुम अच्छा लो। क्या सीक्रेट है इसमें? बहुत सारे हैं देखने। हाँ? अरे एक खत्म हुआ नमक। शालिनी को बोलती हूँ हॉलेज से आते समय लेके आएगी। स्विच ऑफ। कितनी बार इस लड़की को बोला है फोन बंद मत कर। हाँ सतीश। आई कहाँ है तू? शालिनी का बहुत ज्यादा हो रहा है, इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अरे पर काय झालं? काय झालं? रुक। आई तू यहाँ कैसे? तुझे तो ट्यूशन पे आना चाहिए था ना। वो मुझे आशु जी से कुछ काम था इसलिए यहाँ आई थी। ठीक है आशु जी, मैं आपको शाम को फोन करती हूँ। ये क्या है आशुतोष? गौरी जी देखिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। आप अंदर आइए ना, मुझे समझने का मौका तो दीजिए। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं माँ हूँ उसकी, सब समझती हूँ। वो तो छोटी बच्ची है आशुतोष, लेकिन हाँ आपको तो समझना चाहिए ना। लेकिन नहीं, उसे समझाने के बदले आप उसके ना समझ होने का फायदा उठा रहे। नहीं नहीं गौरी जी देखिए, शालिनी आपकी बेटी है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं शालिनी का कोई गलत फायदा नहीं उठा रहा हूँ। मतलब जो मैं सोच रही हूँ वो गलत है आपके और शालिनी के बीच ऐसा? देखिए गौरी जी, मुझ पर भरोसा कीजिए प्लीज, मैं कोई बुरा आदमी हूँ क्या? और देखिए हम दोनों के बीच मतलब
मेरे और शालिनी के बीच कब कैसे प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। शालिनी का यहाँ मेरे घर पे आना जाना कब शुरू हुआ? गौरी जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरे और शालिनी के बीच कब कैसे प्यार हो गया हमें पता ही नहीं चला। छोड़ो ना, गुदगुदी हो रही है। कहाँ हो रही है? यहाँ या वहाँ? इतनी मजा आ रहा है। अच्छा ये सुनो तुम दो। आई, तुझे नॉक करना नहीं आता क्या? तमीज नहीं है, ऑफिस से इतनी जल्दी आ गई, कहीं पे भी घुस जाती है। शालू, अपने आई से ऐसे बातें नहीं करते। मैं चलता हूँ, रात को मिलता हूँ। हाँ, अभी डिस्को जो जाना है। ओके, सी यू। हाँ। ये बहुत ज्यादा हो रहा है शालिनी का। एक तो उसके वो कपड़े, ऊपर से देर रात तक लड़कों के साथ आवारा जैसे घूमना, आज तो मतलब हद कर दी उसने। पूरी रात घर के बाहर कब तक चलेगा यार? तो कुछ बोलती क्यों नहीं उसे? क्या बोलूं मैं उसे, ढंग से बात करती है वो मुझसे? कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं और बात करने का भी नहीं। बात तो ऐसे करेगी जैसे मैं उसकी आई नहीं, काम वाली हूं। नहीं सतीश, एक्चुअली ये मेरी गलती है। मैंने उस आशुतोष को घर में घुसने ही नहीं देना चाहिए था। क्या सोचा था मैंने और क्या हो गया? आई, जो हो गया सो हो गया। तूने तो अच्छे के लिए सोचा ना, लेकिन अगर अब शालिनी को नहीं रोका ना तो सबके सामने इज्जत का कचरा हो जाएगा, समझ? अब क्या करना है वो सोच। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, ये कचरा साफ करना है। शालिनी, दारू पीकर घर में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और ये ऐसे आधे कपड़े पहने हुए अपने बाप की उम्र की मर्द के साथ गुलछरे उड़ाने में शर्म नहीं आती तुझे? पूरी तरह से हमारा नाक कटवा चुकी है तू। तुझे पता है तेरे और उस बुड्ढे के रोमांस के बारे में क्या गॉसिप चल रहा है? पता है क्या बोल रहे लोग? तो कह रहे कि तुझे वो मजे मार के छोड़ेगा। ए, ऐसा कुछ नहीं है, बॉयफ्रेंड है वो मेरा। बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड को पति बनाने का टाइम आ चुका है। बोल उस आशुतोष को तुझसे शादी करने के लिए। आई, मेरी उम्र है क्या? उम्र? गुलछरे उड़ाने की उम्र है तेरी? आवारा गति करने की उम्र है? बोलना। एंजॉय करने की उम्र है मेरी, समझे तुम दोनों? अब ये थोड़ा किटकिट बंद करो। हाँ, और मैं तुम दोनों जैसे गरीबों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती, और ना ही मैं कोई गांव की अबला ना रही हूँ। मतलब ग्रेजुएशन किया, शादी किया और बच्चा पैदा किया और बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे लाइफ ना एंजॉय करनी है, मस्ती करनी है, और मस्ती के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो आशुतोष के पास है। पर रही बात आशुतोष से शादी करने की, तो मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है आशुतोष के साथ शादी करने का। नॉट इंटरेस्टेड, सोचना भी। क्या? हाँ? शादी नहीं करनी तुझे? तो क्या करना क्या है? मोबाइल और शॉपिंग के बदले लोगों के साथ सोना है तुझे? अच्छा, तो तूने क्यों लिया आशुतोष से मोबाइल? हाँ,
चाहिए और लड़का कुछ भी करे शर्म नहीं आनी चाहिए। कम से कम मैं तेरी तरह आई से भीख तो नहीं मांगती। और एक बात ध्यान से सुन, मैं आशुतोष के साथ, इसके साथ, उसके साथ क्या करूं, ये मेरा पर्सनल मामला, मेरी लाइफ है, समझा? आशुतोष बस टाइम पास है रे, वो नहीं तो कोई और होगा। जीने दो मुझे फ्रीडम के साथ, समझा? गरीब लोग गरीब सोच। चले रे। सतीश ओह क्या कर रहा तू? ए आज हाथ लगाया तूने? वापस हिम्मत मत करना तू, पुलिस कंप्लेन कर दूंगी ना, जेल के पीछे सड़ेगा तू। शालिनी अपने भाई को धमकी दे रही है तू? भाई कैसा भाई, किसका भाई? बाबा के जाने के बाद किसने किया गया हमारे लिए? आ तेरी आधी सैलरी तो किसके ऊपर जाती है? मेरी लाइफ अच्छी है, मेरी ऐश है, तो तुझे जलन हो रही है? बस बस हो गया तेरा जहर उगलना। कैसे नहीं मानेगी? मैं ऐसे क्या, कैसे भी नहीं मानूंगी, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। तो बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अपनी औकात में रहो। क्या बोली? औकात? आज तुझे मैं तेरी औकात दिखाता हूं। सतीश, क्या किया तूने? भाई मैं मुझे नहीं पता। देवा, देवा का, क्या करूं मैं? कुछ करना पड़ेगा इसका। मैं ठिकाने लगाता हूँ इसको। नहीं अभी नहीं, अभी बहुत रात हो चुकी है, अगर किसी को पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तू एक काम कर, तू इसे स्टोर रूम में ले जाके एक बड़े से सूटकेस में बंद कर देना, फिर हम देख लेंगे। पैसा, स्टेटस, आजादी, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्होंने आज हमारे युवाओं को भटका रखा है, उन्हें भ्रमित कर रखा है। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि वो पैसा उनका है या किसी और का। उन्हें इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि उनको अपनी आजादी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी महत्वाकांक्षाओं की कितनी बड़ी कीमत उनके परिवार वालों को चुकानी पड़ेगी। अपने परिवार को नीचा दिखा के, किसी और के पैसे पे ऐश करके आप कभी भी स्टेटस या खुशियां नहीं पा सकते। ये बात शालिनी समझ नहीं पा रही थी। सतीश को उसकी बहन के कपड़े पहनने का तौर तरीका, उसका उठना बैठना, उसका चाल चलन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी परिवार की इज्जत अब खतरे में। जब शालिनी नहीं मानी तो गौरी और सतीश ने मिलकर शालिनी को मार दिया। ज्यादा टाइम नहीं अपने पास, परसों तेरे बाबा की बरसी है और उस दिन सब लोग आएंगे फोकट का खाना खाने। बॉडी को जल्दी हटाना होगा। तो उसका फोन है। आई, उसको जरा भी शक नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब खत्म। सूटकेस के साथ बाहर जाएंगे तो पंगा होगा ही होगा। मुझे लगता है बरसी के बाद हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। बोल देंगे सबको बरसी पे कि
मुझे नागपुर में जॉब लगेगी या कुछ भी। भाई बाकी सामान के साथ सूटकेस बाहर निकालेंगे तो किसी को कोई शक नहीं होगा, तब तक सूटकेस रहने देते स्टोर रूम में। सही कह रहा है तू, अब ये मनहूस घर छोड़ने का टाइम आ गया है। हाँ। फिर से आशुतोष, उसको जानना होगा शालिनी के बारे में। आई सुन, उसे जरा भी भड़क नहीं होनी चाहिए, गड़ा? तू उसे आराम से बात कर, ठीक है? अच्छा सुन, अब तू एक काम कर, ऑफिस जाते समय इसका सिम कार्ड निकाल के कहीं फेंक दे। हाँ, और हाँ, वो भर्जी को भी फोन करना है बरसी के लिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर नहीं जाऊंगी तो शक होगा। हाँ, ये सही है। टेलीफोन। विधि संपन्न हुई, अब आप सब लोगों को भोजन कराइए। मैं स्टोर रूम से चटाई लेकर आती हूँ। स्टोर रूम में बड़ी गंदी बास आ रही है, ऐसे लगता है कोई मरा हुआ है। वो आते हैं, एक्चुअली स्टोर रूम में काफी चूहे हो गए, मैं लेके आता हूँ ना चटाई, आप बैठो। ठीक है। चटाई लेकर आती हूँ। चूहा लो ना। अरे नहीं, लो लो, मैं बाहर फेंक आता। शालिनी, शालिन, सॉरी, शालिनी कहाँ है? क्यों, तुम्हें तो पता ही होगा वो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मुंबई गई है। क्यों, तुम्हें तो पता ही होगा गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी। पता नहीं इसलिए यहाँ आया हूँ। कहाँ है वो, चार दिन से उसने फोन नहीं किया मुझे, कहाँ है वो? अरे आशुतोष काका, वो शालिनी ऐसी है, उसे किसी की पड़ी नहीं है, इनफैक्ट वो मुंबई चली गई, हमें बताया तक नहीं। एड्रेस छोड़ो, फोन स्विच ऑफ करके बैठी है वो, शायद उसे उसका खर्चा उठाने वाला कोई मिल गया हो तुमसे ज्यादा पैसे वाला। नहीं सतीश, मेरी शालू ऐसे नहीं थी। और ये क्या, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नागपुर। हाँ? वहां सतीश को अच्छी जॉब मिली है, और वैसे भी यहाँ तुम लोगों ने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। ये क्या बकवास कर रहे हो, सही से बोलो कहाँ जा रहे हो और क्यों? कहा ना मैंने एक बार, गौरी सच सच बताओ ये सब क्या है, चालू कहाँ है? बोला ना एक बार, लेकिन तुम लोग अचानक ये सब नहीं। दादा शालिनी कहाँ है, आज एग्जाम का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। वो बेटा वो शालिनी बाहर गई है, मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगी डेट आगे बढ़ाने के लिए। नहीं काकू, ये यूनिवर्सिटी है, डेट आगे नहीं बढ़ा सकते। कुछ परफ्यूम का सुगंध है, आपने सूटकेस में परफ्यूम डाला क्या दादा? वो एक्चुअली बैग में परफ्यूम की बोतल थी ना, तो शायद टूट गई होगी इसलिए। अरे तो फिर खोलो इसे, वरना सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे परफ्यूम से थोड़ी ना कपड़े खराब होंगे, खोलने की क्या जरूरत है? हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, खोलो। अरे हमारा ये सामान है, क्यों खोले? अरे जरूरत है,
कुछ ना कुछ झोल है इसमें। हम लोग हर दिन बातें करते थे, अखा दिन। शालिनी उसका फोन दोनों हर दम चलते, हर दम चलते। और ऐसे लड़के का फोन 4 दिन से बंद था, तभी मुझे शक हुआ। बरसी वाले दिन ही मैंने बोला था कि स्टोर रूम से बहुत गंदी सी बास आ रही है, लेकिन सतीश ना के बोला कि वहां पे चूहा मर गया। हमने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। साहब, शालिनी बहुत जिद्दी लड़की थी, और ये सतीश और गौरी है ना, उससे तो इसकी 1 मिनट भी नहीं पटती थी। हाँ सर, उनको मेरा शालिनी के साथ बाहर जाना, घुल मिलना पसंद नहीं। गौरी को लगता था कि शायद उसे मैं उससे पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने साफ साफ बोल दिया कि मुझे शालिनी पसंद है। शायद यही बात उसे पसंद नहीं है। आपको अच्छा लगेगा, आपकी बेटी अपने बाप की उम्र के इंसान के साथ मजे कर रही है। उसके वो छोटे कपड़े, उसकी हरकतों ने मुझे बाहर जाने के लायक नहीं छोड़ा था। ऑफिस के लोग, सोसाइटी के लोग ताने मारते थे मुझे। और प्रॉब्लम ये था कि उसको आशुतोष के साथ भी शादी नहीं करनी थी, बस ऐश करनी थी। जब मना किया तो हमारी बात नहीं मानी, उल्टा हमारे ही मजाक बनाने लगी। मेरे को बोली मैं चलता है उससे, क्योंकि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही पैसा है। ये सुनकर मैंने गुस्से में तो अपने ही बहन को मार दिया। ऊपर से देर शाना बन के लास्ट टिकने लगाने ट्राई किया, बहुत खूब। ये चूहा मरना, ये घर शिफ्टिंग, ये कॉलेज का ट्रिप, बहुत शानदार प्लान बनाया तुमने। वो क्या है, आजकल हमारे जेल में भी है ना, मस्त पैकेज प्लान चल रहा है। देखते हैं कोर्ट तुम्हें कौन सा प्लान पैकेज देती है। कोर्ट ने सतीश को शालिनी के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनी। गौरी आज भी मर्डर को छुपाने और जुर्म में साथ देने के लिए सजा काट रही है। शालिनी की सोच गलत थी, वो अपने शौक पूरा करने के लिए एक ऐसी राह पर निकल पड़ी थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। पर इसी को तो बचपना कहते हैं, और यहीं पर माँ बाप और परिवार का साथ काम आता है। शालिनी एक गलत राह पर चल तो पड़ी थी, लेकिन अगर उसे गुस्से के बजाय प्यार से समझाया होता तो शायद आज शालिनी जिंदा होती। सतीश को भी अपनी बहन के रहन सहन से, उसके कपड़े पहनने के ढंग से परेशानी हो रही थी। उसे गुस्से से काबू करने की कोशिश कर रहा था, और उसी के चलते शालिनी अपनी आजादी को लेकर आक्रामक हो गई। उसे लगा कि उसकी आजादी खतरे में, और उसका नतीजा शालिनी की मौत। हम लोग अक्सर ये भूल जाते कि आजादी या इंडिपेंडेंस का मतलब किसी और का फायदा उठाना नहीं, अपनी जरूरतें और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। और परिवार का भी ये मतलब नहीं होता कि हम एक दूसरे पे पाबंदी लगाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाएं। परिवार का मतलब होता है एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना, उन्हें समझना, ताकि हम जिंदगी को और खूबसूरत बना सकें। गौरी और उसके परिवार में भी कोई परिवार के सही मायने नहीं समझ सका, जिसके चलते आज उसकी कीमत सब चुका रहे। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए विदा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड।